जब लाइट हवा या स्पेस से गुजरती है तो इसके सारे रंग एक सी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, मगर कांच या किसी एंगल से टकराते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है और डायरेक्शन बदल जाती है। प्रिज्म के अंदर हर रंग अलग स्पीड से चलता है। कांच के अंदर बैंगनी लाइट, जो सबसे छोटी वेव्स पर सवार होती है, लाल रंग की लाइट से ज्यादा धीमी हो जाती है, जिसकी वेव्स सबसे लंबी होती हैं। स्पीड में इस फर्क की वजह से रंग अलग अलग छिटक जाते हैं और सारी लाइट वेव्स थोड़ी अलग हटकर चलने लगती हैं। प्रिज्म इसी तरह काम करता है। यहां मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि जोसेफ फ्रॉनहोफर ने अब वो काम किया था जो आइजैक न्यूटन कर सकते थे मगर नहीं कर पाए, और इसका खुद मेरी जिंदगी पर काफी गहरा असर पड़ा। इस वक्त आप फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को मिलता हुआ देख रहे हैं, जिससे मेरी अपनी वाली साइंस का जन्म हुआ, एस्ट्रोफिजिक्स का। इन लाइनों में लिखा है, इन खड़ी लाइनों में इसका राज। फ्रॉनहोफर ने जब इनको देखा तो यही सोचा, ऐसा क्यों, ऐसा कोड जो किसी बाहरी ब्रह्मांड से हमारे पास आया है।